आप बोलते हैं कि नहीं, प्रकाश अंबेडकर साहब से बातचीत हो सकती है, एमआईएम से नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोक राव चव्हाण, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार से भी कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अम्बेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीट दे दो। मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए, मुझे एक सीट भी नहीं चाहिए। जितनी सीट उनकी इज्जत और उनके मुकाम के लिहाज से आप दोगे, असदुद्दीन ओवैसी अलग मीटिंग करके तायीद करेगा, मैं तुम्हारे डाइस पर भी नहीं आऊंगा। चलो बताओ अशोक राव तुमको कबूल है? जवाब दो अशोक राव, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि हमको जरूरत नहीं है एक सीट की भी, तू हमारे बाल बड़े भाई को, बाला साहिब अम्बेडकर साहब को, उनके मुकाम उनकी इज्जत के मुताबिक उनका मुकाम दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए।